डोरमामू मार्वल के सबसे ज़्यादा पावरफुल विलन्स में से एक है और एमसीयू ने हमें डोरमामू से इंट्रोड्यूस करवाया 2016 में आई थी डॉक्टर स्ट्रेंज में। तो डोरमामू डार्क डायमेंशन पे राज करता है और डार्क डायमेंशन का राजा है और उसे अपनी सारी पावर डार्क डायमेंशन से मिलती है। पर हैरान करने वाली बात यह है कि डोरमामू का जन्म डार्क डायमेंशन में नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन में हुआ था। तो वो डार्क डायमेंशन में कैसे पहुँचा और डार्क डायमेंशन का राजा कैसे बना, आज यही सब हम शेयर करेंगे डोरमामू की ऑरिजिन स्टोरी में। डोरमामू की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी नवंबर 1964 की स्ट्रेंज टेल्स इशू नंबर 126 में और डोरमामू के क्रिएटर है स्टैनली एंड स्टीव डिटको। डोरमामू का जन्म 14 नाम के एक डायमेंशन में हुआ था और 14 एक प्योर एनर्जी से बना डायमेंशन है। यहाँ पे हर चीज़ प्योर एनर्जी की बनी है और इसी डायमेंशन में रहते थे प्योर एनर्जी से बनी पावरफुल एंटिटीज़, जिनका सिर्फ एक ही काम था कि हर तरह की एनर्जी को इकट्ठा करना और उसे अब्जॉर्ब करना ताकि वो अपनी रेस, पॉपुलेशन और क्लैन को आगे बढ़ा सके। और इन्हीं एंटिटीज़ में एक थी सिनिफर, जिसने अपनी एनर्जी से दो और एंटिटीज़ को जन्म दिया जो थे डोरमामू और उमर। तो जैसे कि 14 प्योर एनर्जी का बना था और सब वहाँ प्योर एनर्जी ही कंज्यूम करते थे और वहीं दूसरी तरफ डोरमामू और उमर को एनर्जी की नहीं बल्कि मैटर की भूख थी। तो अगर आपको मैटर के बारे में नहीं पता तो बता दूं, मैटर वो चीज़ होती है जिसे हम टच कर सकते हैं, जैसे कि कोई पदार्थ। तो 14 डायमेंशन में कोई भी मैटर ना मिलने की वजह से डोरमामू और उमर ने अपनी एनर्जी से प्योर एनर्जी को ही डार्क मैटर में चेंज करना शुरू कर दिया। तो जब बाकी 14 ने ये देखा तो उन्हें ये गलत लगा, क्योंकि मैटर को ऑब्जॉर्व करना 14 डायमेंशन की रूल्स के खिलाफ था। तो ये सब होता देख सिनिफर डोरमामू और उमर को रोकने के लिए वहां जाती है, पर डोरमामू और उमर सिनिफर को ही डार्क मैटर में बदल देते हैं और इसके बाद बाकी के एंटिटीज डोरमामू और उमर को 14 डायमेंशन से बाहर निकाल देते हैं। तो 14 डायमेंशन से बाहर निकलने के बाद डोरमामू और उमर पहुंचते हैं डार्क डायमेंशन में और डार्क डायमेंशन में ज्यादातर चीजें मैटर से बनी थी और वहाँ पे काफ़ी एनर्जी भी थी। तो ये देख के डोरमामू और उमर को अपने लिए वो डायमेंशन परफेक्ट लगा। तो दोनों ने डार्क डायमेंशन पर कब्जा करने की सोची, पर उस वक्त वहाँ पे राज करता था किंग ओलनार और किंग ओलनार के रहते हुए डोरमामू और उमर डार्क डायमेंशन पे कब्जा नहीं कर सकते थे। तो ओलनार को रास्ते से हटाने के लिए डोरमामू और उमर ने एक प्लान बनाया और दोनों इंसान के रूप में ओलनार के पास चले गए और उसे बाकी डायमेंशन के बारे में बताने लगे और उससे कहा कि वो उन डायमेंशन पे कब्जा करके उन्हें भी डार्क डायमेंशन में मिला ले। तो ओलनार एक राजा था और अपने राज को बढ़ाने के लिए वो उनकी बातों में आ गया और दूसरे डायमेंशन पर अटैक करने लगा और काफ़ी डायमेंशन पर कब्जा भी कर लिया। और इसी के चलते ओलनार पहुंचता है माइंडलेस वंस के डायमेंशन में और वहां फाइट करते करते वो हार जाता है और मारा जाता है। तो अगर आपको माइंडलेस वंस के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, माइंडलेस वंस वो जीव हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता पर उनकी ताकत हल्क के बराबर होती है। तो ओलनार के मरने के बाद डार्क डायमेंशन का रास्ता खुला रह जाता है और फिर माइंडलेस वंस उसी रास्ते से डार्क डायमेंशन में एंटर हो जाते हैं और डार्क डायमेंशन में जाके वो वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं और वहाँ तबाही मचाने लगते हैं। तो तब सामने आते हैं डोरमामू और उमर, जो कि अपनी पावर से माइंडलेस वंस को एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देते हैं और वहाँ के हीरो बन जाते हैं। इसके बाद ओलनार का बेटा, जो कि बहुत ही छोटा था और राज नहीं कर सकता था, तो इसके चलते तो डोरमामू और उमर को डार्क डायमेंशन का राजा बना दिया गया और वो दोनों मिलकर डार्क डायमेंशन पे राज करने लगे। फिर जब ओलनार का बेटा बड़ा होता है तो उमर को ओलनार के बेटे से प्यार हो जाता है और दोनों के बीच घपाघप हो जाने के बाद उनकी एक बेटी पैदा होती है और अपने बच्चे को एक इंसान के रूप में देख के ओलनार शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उमर एक 14 को जन्म देना चाहती थी, किसी इंसान को नहीं। तो इस सब का जिम्मेदार उमर डोरमामू को मानती है और उस पर अटैक कर देती है। तो डोरमामू उमर से ज़्यादा स्ट्रांग था तो इसीलिए वो उमर को हरा देता है और उसे भी एक पॉकेट डायमेंशन में कैद कर देता है और फिर डार्क डायमेंशन का एक अकेला राजा बन जाता है। तो अपने डार्क डायमेंशन को बड़ा करने के लिए और अपनी पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए डोरमामू दूसरे प्लैनेट्स और डायमेंशन को ढूंढने लगता है ताकि वो उनकी एनर्जी और मैटर अब्जॉर्व कर सके। और इसी तरह उसे मिलता है प्लैनेट अर्थ। तो जब उसे पता चलता है कि प्लैनेट अर्थ पूरी तरह से मैटर का बना हुआ है तो वो लालच में आकर बिना सोचे समझे प्लैनेट अर्थ पे अटैक कर देता है। पर तब उस वक्त डार्क डायमेंशन जैसे खतरों से हमारे प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करते थे एशियंट वन, और एशियंट वन और डोरमामू के बीच काफ़ी खतरनाक लड़ाई होने के बाद एशियंट वन डोरमामू को हरा देते हैं और डोरमामू को वापस डार्क डायमेंशन में भेज देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद डोरमामू और ताकतवर होकर फिर एक बार अटैक करता है अर्थ पे, पर उस वक्त डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू का सामना करते हैं और उसे हरा देते हैं और वापस डार्क डायमेंशन में भेज देते हैं। तो दोस्तों, ये था ओरिजिन डोरमामू का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप किसी और सुपर हीरो या सुपर विलन्स पे ओरिजिन स्टोरी चाहते हैं तो मुझे नीचे बताना ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में।
तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस।